लगभग यहाँ पे कौशल गैंग के और लॉरेंस काला जठेड़ी, नरेश सेठी, इस तरह के जो गैंग के मेंबर थे उनके परिजनों पे और उनके जो रिश्तेदार थे उनके वहाँ रेड की गई। इसमें जो मैं जगह आपको बता देता हूँ, तीन जगह जाट शाहपुर में थी। एक जगह शाहपुर में अलग से थी, गौरव चिंटू जो था उसके यहाँ जो खंडेवला गांव है वहाँ पे, एक वहाँ पे खंडेवला में की गई। ऐसे ही वसुंडा में की गई, एक बोड़ा खुर्द में की गई और एक शक्ति पार्क में की गई। एक खोड में दो जगह पे रेड की गई और एक सेक्टर 10 में जो अजय की मिसिज रहती हैं वहाँ पे भी अलग से रेड की गई। एक मुशेदपुर का है सरपंच, एक्स सरपंच, उसके यहाँ की गई। रोहित जो फोड़ का था उसके यहाँ भी की गई। इसी तरह तिरपड़ी में की गई, गोरियावास में की गई और विलेज नखडोला में की गई और बसई में की गई, तीन जगह। और एक जगह जो रविंदर सरकार है उसके ताजनगर के उसके घर पे की गई। इस तरह से हमने ये 19 लोकेशंस पे हमने ये सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान हमने एक जो एक्सटोर्शन का एक मुकदमा दर्ज था धीरज वगैरह के खिलाफ, जो इन्होंने एक कंपनी में काम करने वालों से 30,000 रुपये पर महीने की फिरौती मांगी थी, उसके संबंध में भी इस रेड के दौरान ही हमने दो अक्यूज़्डों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम नवीन और हेमंत उर्फ हेमू हैं। इस नवीन के खिलाफ लगभग एक दर्जन के करीब पहले के केस हैं, जिसमें 302 किडनैपिंग, एक्साइज, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के जो केसेस हैं वो हैं। और इसी तरह से हेमू जो है इसके खिलाफ भी 6 केसेस हैं। देखिए, जो संदीप बंदर है उसके खिलाफ, उसके घर पे आज जो हमने सर्च ऑपरेशन चलाया उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली हैं। उसमें बहुत हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए लाभदायक रिकॉर्ड्स मिले हैं। लगभग 17 फोन हमें वहाँ से मिले हैं, कुछ पासबुक, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिले हैं और जो ये जहाँ पे लेन देन करते हैं उसके संबंध में भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ से मिले हैं। तो उस सारे को आप विश्लेषण करने में ये ज़रूर संभव है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसका पूरा विश्लेषण करके और वो आपके साथ शेयर की जाए। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया उसमें कुछ ठेकों का भी जो इसमें लेन देन का मामला है उस पर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं और उसका गहराई से विश्लेषण हम करेंगे और उसके आधार पे आगामी कार्रवाई करेंगे। हाँ, गिरफ्तारी इसमें दो लोग तो ये जो इस एक्सटोर्शन के केस में वांटेड थे इनकी की गई। तीन लोग जो हमने वहाँ पे अलग अलग केस रजिस्टर किए हैं उन लोगों की भी हमने जो कानूनी कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी, तो इस तरह से 5 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। और इसमें बाकी लोगों के खिलाफ अगर कोई ऐसी एविडेंस हमें मिलेगी तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी।